में ना आने के फैसले से उसके ससुराल वाले कहीं नाराज ना हो जाए, ये सोचकर उसने ये कदम उठा लिया। कैसी है वो, बात कर सकती है? शेरगिल ने किया राजकुमार का पीछा, भैरव ने दी राज को रिश्ता खत्म करने की धमकी। वेल, हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर टीवी सीरियल शेरदिल शेरगिल की। आज के एपिसोड में हमने देखा कि शेरगिल हुसैन से किराए के पति ढूंढने की बात कहती है, वहीं हुसैन शेरगिल से राज को अपना पति बनाकर ले जाने की बात करता है। तभी शेरगिल राज को ऑफिस से जल्दी निकलता हुआ देख लेती है। वेल, एपिसोड में आगे हमने देखा कि शेरगिल राज का पीछा करती है, वहीं गुंजन कॉल पर शेरगिल से अपनी शादी में आने की बात कहती है। वहीं एपिसोड में आगे हमने देखा कि शेरगिल राज के पीछे पीछे क्लब में जाती है, वहीं क्लब में शेरगिल को राज स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखती है। शेरगिल राज को देखकर हंसती है। वहीं एपिसोड में आगे हमने देखा कि राज अपने परफॉर्मेंस में शेरगिल की भी बातें करता है। एपिसोड में आगे हमने देखा कि राजकुमार अपने स्टैंड अप शो में बॉस की तारीफ करता है। वहीं शो में आगे हमने देखा कि गुंजन फिनाइल पी के अपनी जान देने की कोशिश करती है। एपिसोड में आगे हमने देखा कि राजकुमार चोरी छुपके अपने घर में एंट्री करता है, पर राज के पापा उसे पकड़ लेते हैं। राज के पापा जी स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में उससे बात करते हैं। एपिसोड में आगे हमने देखा कि भैरव राज से अपने भाई के साथ हुआ हादसा याद करता है, वहीं राज से ये स्टैंड अप कॉमेडी बंद करने की रिक्वेस्ट करता है और रिश्ता खत्म करने की धमकी भी देते हैं। वहीं एपिसोड में आगे हमने देखा कि शेरगिल राजकुमार को अपने घर बुलाती है और शेरगिल राज को अपनी माँ का डब्बा वापस करने को कहती है। वेल, अपकमिंग एपिसोड में ये देखना दिलचस्प होगा, क्या राजकुमार मानेगा शेरगिल की बात। आपका अपकमिंग एपिसोड के बारे में क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टीवी सीरियल की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।